हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेदरलैंड वर्सेज न्यूजीलैंड मैच विनर के बारे में और पिच रिपोर्ट के बारे में। पिच रिपोर्ट बताने से पहले गाइस, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और द बैटिंग प्रिंसेस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी जाइए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको बैक टू बैक अपडेट मैच की मिलती रहेगी, टॉस प्रोडक्शन मैच प्रोडक्शन सारी मैं वहीं पर देती हूँ गाइस, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको बैक टू बैक अपडेट मिल जाएगी। ओके गाइस, तो चलिए अपन यहाँ पर बात करेंगे अपन पिच रिपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर अगर जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग पे आती है उसका 29% यहाँ पर विनिंग का रेशियो रहेगा, और जो सेकंड बैट पर टीम आएगी उसका 43% विनिंग का रेशियो रहेगा। यहाँ पर जो सेकंड बैट पर टीम आएगी उसका पलड़ा भारी रहेगा, उसकी विन होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनेगी गाइस। ओके, आगे अपन यहाँ पर बात करेंगे पैच और स्पिन के लिए। बात करी जाए तो यहाँ पर जो भी तेज बॉल फेंकेगा उसके 34% विकेट लेने की यहाँ पर संभावना बनेगी, यानी 48% तक इसके विकेट लेने की संभावना बनेगी जो तेज़ बॉलिंग करता है उसकी, जो तेज़ बॉल फेंकता है उसकी। ओके, और जो धीरे बॉल फेंकेगा उसके 37% विकेट लेने की यहाँ पर संभावना बनेगी, 52% तक इसकी संभावना 32 विकेट बनने की हो सकती है। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो तेज़ बॉल फेंकेगा यहाँ पर उसके विकेट लेने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनेगी, उसका पलड़ा भारी रहेगा। आगे अपन यहाँ पर बात करेंगे टीम कंपैरिजन के लिए। बात करते हैं तो यहाँ पर नेदरलैंड ने यहाँ पर लास्ट के दस मैचों में से इसने 40% मैचों को विन किया है, और यानी 4 मैचों को यहाँ पर विन किया है। एवरेज स्कोर की बात करते हैं तो 121 इसका एवरेज स्कोर रहा है। हाई स्कोर की बात करेंगे तो 187 इसका हाई स्कोर रहा है नेदरलैंड का। और न्यूजीलैंड की बात करें यहाँ पर तो लास्ट के दस मैचों में से यहाँ पर 60% मैचों को विन किया, यानी 6 मैचों को यहाँ पर विन किया है। एवरेज स्कोर की बात करेंगे तो यहाँ पर 177 इसका एवरेज स्कोर रहा है न्यूजीलैंड का। ओके, एवरेज स्कोर हाई स्कोर की बात करेंगे यहाँ पर 254 इसका हाई स्कोर रहा है न्यूजीलैंड का। ओके गाइस, आगे बने बात करते हैं टीम फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर नेदरलैंड के 5 मैचों में से 1 मैच लूज गया है, 4 मैच विन हुए गाइस। और न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 मैच इसके विन हुए हैं गाइस। ओके, तो चलिए यहाँ पर पंटरों के लिए भी बात करी जाए तो यहाँ पर 4000 पंटरों ने वोटिंग की है, तो उसमें से नेदरलैंड को यहाँ पर 30% का विनिंग का रेशियो रहा है इसका। मतलब पंटरों का कहना है कि 30% न्यूजीलैंड विन करेगी मैच को। ओके, न्यूजीलैंड नेदरलैंड विन करेगी। न्यूजीलैंड का रहा है 70% तक, पंटरों का कहना है कि 70% तक न्यूजीलैंड विन करेगी मैच को। ओके गाइस, तो लेकिन जो मैंने कैलकुलेशन लगाई, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाली टीम रहेगी न्यूजीलैंड। तो आपको भी न्यूजीलैंड को ही ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनने की है, तो आप भी उसी के साथ बने रहना, न्यूजीलैंड ही ज़्यादा प्रॉफिट वाली टीम रहेगी। बाकी के अपडेट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि वहाँ से आपको बैक टू बैक अपडेट मिल जाएगी। ओके, टॉस प्रोडक्शन मैच प्रोडक्शन सारी अपडेट मैं अपनी वहीं पर देती हूँ टेलीग्राम चैनल में, तो जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर अभी फिलहाल बने रहो न्यूजीलैंड के साथ ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।